नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। गुरुग्राम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की रेवेन्यू कोर्ट लगाने को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अफसरों को कई अहम टिप्स दी और अपने निजी अनुभव भी साझा किए। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, सीएम ने अफसरों को दिए टिप्स, सीएम ने प्रशिक्षण का बताया महत्व। गुरुग्राम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की रेवेन्यू कोर्ट लगाने को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जीवन में किताबों के ज्ञान के साथ साथ अनुभव और प्रशिक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में आखिर तक सीखता है, आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण और मेहनत जरूरी है। गुरुग्राम के मंडल आयुक्त राजीव रंजन की तरफ से दिए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और SDM स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुग्राम के लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सन 1980 से लेकर 2014 तक लगभग 34 वर्षों के दौरान ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण उनका रुचिकर विषय रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किताबी ज्ञान से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि कम से कम संसाधनों के साथ कम से कम समय में ज्यादा आउटपुट कैसे मिले, उसके लिए ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लगातार चलने वाला विषय है। जिस व्यक्ति ने ये मान लिया कि उसे सब कुछ आता है, तो उसके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर खत्म ही हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीखने की कोई आयु नहीं होती। उन्होंने स्वयं 40 वर्ष की आयु में कंप्यूटर चलाना सीखा और ये कहते हुए उन्हें आज प्रसन्नता हो रही है कि उसकी उपयोगिता ये हुई है कि जब भी वो अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, तो अधिकारी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उनकी गलती पकड़ी ना जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने व्यवस्था सुधारने के लिए कई रिफॉर्म्स किए हैं। सीएम ने आगे कहा कि प्रशिक्षण का अपना ही एक महत्व है, परंतु इसके लिए अपना मानस खुला रखना जरूरी है, स्वीकारता होनी चाहिए। प्रशिक्षण में यदि कोई संशय उठता है तो उसे जरूर क्लियर करें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में ट्रेनर और ट्रेनी दोनों को सीखने का मौका मिलता है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानेसर में AIFMP भवन का शिलान्यास किया। सीएम ने संस्था के भवन का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। प्रिंटर्स के कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग के बिना अखबारों और किताबों की कल्पना संभव ही नहीं है। प्रिंटिंग का लिखित स्वरूप सबसे कारगर संवाद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच आज गुरुग्राम दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनका यह दौरा बहुत व्यस्त दौरा जो है वो माना जा रहा है। भाजपा ऑफिस में सबसे पहले उन्होंने अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद मानेसर में प्रिंटिंग प्रेस की आधारशिला AIFMP भवन में उन्होंने रखी, तो प्रशिक्षण कार्यशाला में अधिकारियों को पाठ भी सिखाया और अब पटौदी में संत सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मानेसर की है, जहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने AIFMP भवन का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संस्था के भवन का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी है।
प्रिंटर्स के कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि प्रिंटिंग के बिना अखबारों और किताबों की कल्पना भी संभव नहीं है। सुशील सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुशील, आपसे जानकारी चाहेंगे, AIFMP भवन की शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया, आधारशिला रखी, और इसके साथ साथ उन्होंने प्रिंटिंग का लिखित स्वरूप जो है वो सबसे कारगर भी बताया। बिल्कुल, देखिए ऑल इंडिया मास्टर्स प्रिंटर्स एसोसिएशन के बैनर तले यह कार्यक्रम था। यह गुरुग्राम के मानेसर में कार्यक्रम था और वहाँ प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया है और उस प्रिंटिंग मास्टर प्रिंटर्स के द्वारा उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तो जो भूमि पूजन हुआ, आधारशिला रखा गया, उसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत किया। बाकायदा एक बोर्ड भी वहां लगा, साइन बोर्ड जिसे कहते हैं, वो भी वहां लगा और मुख्यमंत्री का नाम भी अंकित था, पत्थर लगाया गया उस पर नाम अंकित था। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत भी की, उन्होंने संबोधन भी दिया। और जब वो संबोधित कर रहे थे तो सभी लोगों से उन्होंने कहा कि किस तरह से किताब अखबार जो है वो जीवन में, शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, कितना योगदान महत्वपूर्ण योगदान है और लोगों को सीखने की जरूरत है। ऐसे में प्रिंटिंग प्रेस का जब इन्होंने भूमि पूजन किया तो ये अब बताया कि किस तरह से गौरवपूर्ण क्षण है। और ये मुख्यमंत्री का सौभाग्य, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस आधारशिला रखने में, भूमि पूजन में शामिल हुआ हूँ, शिरकत कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर समाज के लिए एक अहम योगदान अखबार और किताबें निभाती हैं। और ये प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रिंटिंग प्रेस लग रहा है उसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। जी, दौरों के लिहाज से काफी व्यस्त दौरा जो है सुशील, वो भी इसे करार दिया जा सकता है। निश्चित तौर पर देखिए केशव, आज मुख्यमंत्री का पूरे दिन शेड्यूल की बात करें तो रविवार कहें तो हैक्टिक शेड्यूल हम कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर एक फॉर्म में कहते हैं कि मुख्यमंत्री आज फॉर्म में दिख रहे थे। शुरुआत ही सुबह ही उन्होंने सबसे पहले आज इमरजेंसी को याद किया जो 25 जून 1975 को लगाई गई थी, आज उसकी बरसी थी। तो निश्चित तौर पर आज उन्होंने याद किया, एक ट्वीट किया और ट्वीट कर कांग्रेस पे हमला भी बोला। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक अफसरों की, अधिकारियों की एक पाठशाला लगाई, यानी एक अधिकारियों की बैठक थी उसमें भी मुख्यमंत्री ने शिरकत किया। और ये प्रशासनिक अधिकारी टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं जिसमें ADC, DC, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, तमाम बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे और मुख्यमंत्री ने उनको भी पाठ पढ़ाया कि अधिकारी का बिहेव क्या होता है जब जनता से वो मिलते हैं तो किस स्वरूप में उन्हें मिलना चाहिए, किस तरह से उनकी मुलाकात हुई, तमाम बातें उन्होंने रखी। ठीक है और साथ ही अधिकारियों को निर्देश। बहुत शुक्रिया सुशील आपका ये जानकारियां साझा करने के लिए, आप नजर बनाकर रखें। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम PWD रेस्ट हाउस में GMDA की 10वीं बैठक में साल 2022-23 के लिए लगभग 1,894 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को बढ़ाने, पानी की निकासी, CCTV सर्वेलेंस सहित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। रिपोर्ट आप देखिए। मनोहर राज में विकास को लगे पंख, विकास की नई बुलंदियां छू रहा प्रदेश, करोड़ों के बजट प्रस्ताव को मंजूरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी GMDA की बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,894 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने, नागरिक सेवाओं को बढ़ाने और पर्यावरण में योगदान देने के लिए डिजाइन की गई प्रमुख योजनाओं सहित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने पिछली बैठक की कार्रवाई के साथ वर्तमान में चल रही परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। साथ ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने, पानी की निकासी, मास्टर सीवर लाइन के नेटवर्क को सुदृढ़ करने, CCTV सर्विलांस सहित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। गुरुग्राम इलाके में नजफगढ़ ड्रेन के साथ साथ बांध बनाए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया।
बैठक में जीएमडीए की तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाने के दूसरे चरण की शुरुआत को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने बताया कि जिले में प्रथम चरण के दौरान 914 स्थानों पर 1107 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है। दूसरे चरण में जीएमडीए द्वारा पुलिस विभाग के साथ तालमेल स्थापित करते हुए 258 स्थानों की पहचान की गई है, जिन पर 2722 सीसीटीवी कैमराज लगाए जाने की आवश्यकता है। इन स्थानों पर पहले की अपेक्षा उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएंगे, ताकि अपराधियों की पहचान करने के साथ साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा सके। इसके लिए कैप्टिव ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का लगभग 300 किलोमीटर विस्तार करना पड़ेगा। पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन ने बताया कि इस वर्ष कई महीनों तक 13 करोड़ रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। कैमरों की मदद से इस वर्ष जनवरी से लेकर मई तक 1640 चोरी हुए वाहन ट्रेस किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में गुरुग्राम में चालान से जो राजस्व एकत्रित होगा उसका आधा भाग सड़क सुरक्षा तथा बाकी आधा भाग क्राइम कंट्रोल पर खर्च होगा। गांव घाटा से लेकर वाटिका चौक होते हुए NH 48 तक की साउदर्न पेरिफेरल रोड को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस सड़क पर 8 फ्लाईओवर्स और 6 लेन का कैरेज वे और 6 लेन की सर्विस रोड बनाने का प्रस्ताव है। गुरुग्राम से पानी निकासी की लेक 2 और लेक 3 को नजफगढ़ ड्रेन से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ड्रेन के साथ लगती हजारों एकड़ भूमि को जल भराव से रोकने के लिए वहां पर झील बनाने का प्रस्ताव है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किन परियोजनाओं पर कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। सड़क निर्माण 214 करोड़, जलापूर्ति 20 करोड़, सीवरेज सिस्टम 71 करोड़, सीसीटीवी कैमरे 12 करोड़, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 64 करोड़, यातायात व्यवस्था में सुधार 154 करोड़, हरियाली 32 करोड़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया और सभी विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। खास करके इस बार पानी, पानी की निकासी, पानी की रिचार्ज, पानी का संरक्षण करना, इसके ऊपर पीने के पानी का भी जहां जहां सेक्टर में पानी की आवश्यकता है उसको बढ़ावा देने के लिए तो कई प्रोजेक्ट हमने आज बेसिकली से पास कर दी है। आज जो बजट भी है उसके ऊपर भी चर्चा हुई। अगले साल का बजट लगभग 1800 करोड़ का बजट वो हमने पहले दिल्ली के अंदर की जो ड्रेन है उसकी 20 सीटें एक बड़ा विषय है। लगभग 350 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार उस पर लगाएगी और उसकी डिसेंडिंग होती है तो यहाँ का पानी उसका जो नेचुरल बहाव है 5 मीटर तक उसका लेवल डाउन है जितना नदी की बेड का गुड़गांव से, इसलिए स्मूथ पानी जो आ जाएगा तो उसके साथ साथ लेग 2 और लेग 3 जो ड्रेन गुड़गांव में है उनको पक्का करके और उसको भी द्वारका एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ जो सर्विस रोड बनाने के लिए लगभग 30 किलोमीटर की सर्विस रोड बनेगी प्रिंसिपली उसको भी अप्रूव कर दिया है ताकि जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे बनकर के तैयार होगी अगले साल तक तैयार हो जाएगी उसके साथ साथ सर्विस रोड भी वहाँ के जो सेक्टर्स के लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये भी दिल्ली बॉर्डर तक हम बनाएंगे, दिल्ली बॉर्डर के आगे दिल्ली सरकार अपने आप बनाएगी। बरसाती पानी को रोकने के लिए जल संरक्षण काफी काम पहले हुआ है इसको और तेजी से बढ़ाया जाए ताकि बरसाती पानी को हम रोक सके और रिचार्जिंग उसकी तरह से हो और यदि उसको हम उपयोग भी कर सके खेती में अथवा और बाकी चीजों के लिए तो बरसात का पानी जिसके कारण से हमारी पानी की सुविधा है वो अच्छी। जो सिटी का जो सर्वेलेंस सारा सिस्टम है जिसमें 1200 कैमराज को पहले लगे हुए हैं उसमें कुछ कैमरे और बढ़ाए जाए और कुछ एरिया भी इसमें पटौती तक खास करके जहाँ जहाँ आवश्यकता लगेगी पुलिस डिपार्टमेंट से बात की गई ताकि उसके कंट्रोल से कौन सी चीजें ठीक हो रही है तो उसके विस्तार करने के नाते भी उसको बेसिकली पहले से उसका अधिग्रहण हुआ है। बीच में कोर्ट में भी लोग चले गए थे 2011 के अंदर सेक्शन 46 हुआ और बाद में कोर्ट के अंदर लोगों ने स्टे ले लिया था, स्टे अब टूटा है, कोर्ट ने कह दिया कि इसको आप अधिग्रहण कर सकते हैं, अब उसका केवल अवार्ड सुनाना है। उन लोगों का मत यह है कि अवार्ड हमारा आज के रेट पर सुनाया जाए लेकिन कोर्ट इसका फैसला करेगा या डिपार्टमेंट पहले एक बार अवार्ड सुनाएगा फिर कैसा कोर्ट करेगा वैसे करेंगे लेकिन हम चाहेंगे कि जो
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गति बढ़ती जा रही है। हरियाणा विकास की नई बुलंदियां छू रहा है। आज प्रदेश के हर नागरिक को सभी मूलभूत सुविधाएं बड़ी सरलता और समयबद्धता से मिल रही हैं, जिससे उनका जन विस्तार ऊंचा उठा है और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में हरियाणा प्रगति कर रहा है। आज आपातकाल के 47 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है और लिखा है कि 25 जून 1975 को भारत इतिहास के एक काले अध्याय का साक्षी बना, इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। आपातकाल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, जनता और मीडिया का गला घोंटकर प्रमुख लोगों को जेल में डाल दिया गया। लोकतंत्र सेनानियों ने जो यात्राएं झेली हैं वो अकल्पनीय है। लोकतंत्र रक्षकों को नमन। सीएम मनोहर लाल का ट्वीट है जो उन्होंने किया है। आपको बताएं 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगाया गया था और इसी दिन इसे देश पर थोपा गया था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है, लोकतंत्र के पुरोधाओं को नमन किया है, याद किया है। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य 7 जिलों में बाजरे के स्थान पर दलहन और तिलहन की फसल को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। क्या है यह अनोखी योजना और कैसे मिल रहा है किसानों को इसका लाभ, ये रिपोर्ट आप देखिए। किसानों के लिए आई एक और खुशखबरी, किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 4000। बस खेती में करना होगा एक बदलाव। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य 7 जिलों में बाजरे के स्थान पर दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत कम से कम 1,00,000 एकड़ क्षेत्र में दलहन और तिलहन फसल को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि स्कीम में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं। स्कीम में कौन सी फसलें, मूंग, अरहर, उड़द, अरंड, मूंगफली, तिल। हालांकि इसके लिए एक कंडीशन अप्लाई है, वो कंडीशन ये है कि इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बिना आप हरियाणा में किसी भी योजना का फायदा नहीं ले सकते। दलहन और तिलहन की फसलों से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है, जमीन में पोषक तत्व बढ़ते हैं, अगली फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। जिन खेतों में अच्छी पैदावार नहीं होती उनमें परंपरागत खेती छोड़कर दलहन और तिलहन की खेती ही सबसे उत्तम तरीका है। क्यों महत्वपूर्ण है दलहन तिलहन फसलें? दाल वाली फसलें मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है, हवा की नाइट्रोजन को सोखकर जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है, किसानों को खेत में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की कम मात्रा की जरूरत पड़ेगी। तिलहन फसलों को बढ़ावा देने से खाद्य तेल की कमी पूरी होगी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि प्रदेश के किन 7 जिलों में ये योजना लागू है। भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार, नूह। हरियाणा सरकार की इस सराहनीय पहल से किसानों का फायदा ही फायदा है। किसानों को होगा फायदा, सरकार की तरफ से मिलेंगे पैसे। दूसरे खरीफ सीजन की अन्य फसलों के मुकाबले दलहन और तिलहन फसलों में फायदा ज्यादा।
इस समय इन फसलों का दाम एमएसपी से ऊपर चल रहा है। सरसों और सोयाबीन का मार्केट भाव एमएसपी से 2500 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। अरहर और उड़द का रेट भी आम तौर पर ज्यादा ही होता है। अब आपको लोगों और किसानों की जुबानी सुनवाते हैं कि किस तरह इस योजना के लिए सीएम मनोहर लाल का आभार जताया जा रहा है। ये हरियाणा सरकार निरंतर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है। उसको लेकर के जैसे अभी एक योजना सरकार ने शुरू की है जो लगभग दक्षिण हरियाणा के लिए एक योजना है, जिसमें कि किसान बाजरे की खेती को छोड़ करके दलहनी फसलों की जो बिजाई करेंगे उनको 4000 रुपये प्रति एकड़ सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। और ऐसे ही उत्तरी हरियाणा में जो लोग जीरे की फसल को छोड़ करके दलहनी फसलों को उगाएंगे, यहाँ पर भी हमारी सरकार प्रोत्साहन राशि किसानों को दे रही है। और किसान हित में जो लोग DSR विधि से जिन्होंने धान की बिजाई की है उनको भी प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है। जी, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे किसान भाई? मैं सभी किसान साथियों से अपील करना चाहूँगा, देखिए जल है तो जीवन है, हम सबको इसका पता है। और देखो जल का बचाना बहुत जरूरी है, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। तो मैं सबसे यही अनुरोध करता हूं कि धान की फसल की बजाय जैसे आपके पास 10 एकड़ हैं उसमें से आप 5 से 6 एकड़ आप धान लगाइए, 4 से 5 एकड़ में आप दलहनी फसलों की बिजाई आप कीजिए, उसमें आपको सरकार आपकी प्रोत्साहन राशि भी देगी और आपका उसके अंदर धान की फसल जितना ही आपको MSP पे उसकी दलहनी फसलों की खरीद होगी और आपको उसके अंदर बेनिफिट भी होगा। मैं सभी किसान साथियों से यही अपील करता हूं कि रजिस्ट्रेशन कराएं हरियाणा सरकार के पोर्टल पे और इन दलहनी फसलों की बिजाई करें और प्रोत्साहन राशि को लें। जी, मैं बताना चाहूंगा, जब से BJP सरकार आई है हरियाणा में, मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने वो कदम कदम पे समय समय पे जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है जल की, उसको बचाने के लिए कदम कदम पे जो वो जो स्कीमें लेके आ रहे हैं, जो प्लान किए जाते हैं, उनको निरंतर आगे बढ़ाते हुए, तो किसानों से उन्होंने अभी अपील की है, जो निरंतर अभी एक स्कीम निकाली है DSR जिसका नाम रखा गया है सरकार की तरफ से, उसमें किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। जैसे उत्तर हरियाणा में और दक्षिण हरियाणा में जहाँ पे बाजरे की फसल होती है वहाँ पे बाजरे की जगह बोला है कि आप दालें लगाइए, जैसे दालों की फसल होगी तो उनसे क्या है कि पानी की बचत होगी और हमारी जो धरोहर है वो बची रह जाएगी। यही अपील करना चाहेंगे कि सरकार जो भी देखो जो निर्णय लेती है, स्कीमें आती हैं, वो बहुत सोच समझ कर आती है और आम आदमी के हित में ही आती है। सरकार 4000 रुपए दे रही है एक किसान के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए दे रही है, जल को बचाने के लिए दे रही है। तो सभी से यही अपील है कि आप लोग भी सरकार का सहयोग करें और उन जो स्कीमें निकाली है उनको आगे बढ़ाएं, बढ़ चढ़ कर जो उनमें मतलब आप जो सरकार की स्कीम में है उनके सरकार के साथ चलें, ताकि हम अपनी विरासत को बचा के रख सके आने वाली पीढ़ियों के लिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये स्कीम लागू की है, जैसे उड़द है, तिल है, जो ये दलहन फसलें हैं, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, तो उनके लिए ये स्कीम आई है जिसे 4000 रुपये प्रति एकड़ पे जो मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और इन फसलों को इनकी फसलों की पैदावार है उनको बढ़ाने के लिए ये योजना लागू की गई है। ठीक है, तो ये किसानों के हित में है, बहुत अच्छी योजना है। मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि आप दलहन की जो फसलें हैं उनको उगाने पर भी ध्यान दें, बाजरे के साथ साथ आप ये भी उगाएं। भाई, ये जो 7 जिले में जो चलाई है योजना, ये जो है ना तिल की, मूंग की, उड़द की, अरहर की, इसमें जो है ना मूंगफली की, ये 4000 वार्षिक जो है ना इनको प्रति एकड़ के हिसाब से योजना मिलेगी, ये जो लाभ मिलेगा इससे जो है ना पूरे किसानों को फायदा होगा। ये पूरी हरियाणा में लागू करवानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी का इस बात पे जो है ना बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हरियाणा सरकार फसल विविधीकरण योजना पर बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रही है ताकि सूबे में जल संकट पैदा करने वाली फसलें कम से कम हो जाए। इसी के तहत दलहन की खेती और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए 4000 रुपए प्रति एकड़ की मदद का ऐलान किया गया है। इस साल प्रदेश सरकार करीब 1,00,000 एकड़ में दलहन और तिलहन फसलों को प्रमोट करेगी। हरियाणा जितना तेजी से इस क्षेत्र में कोई दूसरा राज्य काम नहीं कर रहा। और हरियाणा में पुलिस तंत्र को पुख्ता करने के लिए सीएम मनोहर लाल ने कई कदम उठाए हैं और अब सीएम के प्रयासों को केंद्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। अनुसंधान में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर
हरियाणा पुलिस के प्रयासों की सराहना की है। एनसीआरबी और सीपीएफ की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सीसीटीएनएस हैकथॉन और साइबर चैलेंज 2022 में हरियाणा पुलिस जांच ऐप ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस को मिली राष्ट्रीय पहचान, देश भर में हासिल किया तीसरा स्थान, सीएम मनोहर लाल के प्रयास लाए रंग। हरियाणा में पुलिस तंत्र को पुख्ता करने के प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अथक प्रयास किए हैं और अब ये प्रयास धीरे धीरे जमीनी स्तर पर भी रंग लाने लगे हैं। अनुसंधान में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर हरियाणा पुलिस को सराहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और सीपीएफ की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सीसीटीएनएस हैकथॉन और साइबर चैलेंज 2022 में हरियाणा पुलिस जांच ऐप ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह ऐप जो जांच अधिकारियों को किसी भी स्थान से डिजिटल रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करने पर केंद्रित है। ये आईपीएस निकिता गहलोत ने डिजाइन की है, जो वर्तमान में एसपी हांसी के पद पर तैनात हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हरियाणा पुलिस के मोबाइल ऐप की खासियत और फायदे समझाने की कोशिश करते हैं। हरियाणा पुलिस जांच ऐप, पीड़ितों को एफआईआर की कॉपी देने का विकल्प, वॉइस टू टेक्स्ट टाइपिंग सुविधा, तस्वीर अपलोड करने की सुविधा, भौगोलिक स्थान कैप्चर करने की सुविधा, बेहतर पैरवी और आरोपी को सजा दिलवाने में आसानी, डिजिटल रिकॉर्ड रखने में मदद, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके और अब मुख्यमंत्री के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। हरियाणा डायरीज में आज इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।